में कॉल किया है, हम बात कर रहे थे राजेश जी से, वो रशियन डील साइन हो गई है इनकी। जी, माफी चाहूंगा टेक्निकल ग्लिच के लिए। ये देखिए, मैंने अभी वही थॉट दिया था कि ये जो रेलवे के 3-4 स्टॉक्स हैं, इसमें तो क्या है, अभी इवेंट आया और आई थिंक एफपीओ आया तो उसके बाद ये गिरा थोड़ा, बट आई थिंक 110-120 के आसपास बहुत बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं, और जब तक अभी 110 के नीचे नहीं जाता है तब तक रुझान यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, और मुझे लगता है कि 140-145 के लेवल्स का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आएगा। तो आई थिंक जिनके पास है वो बने रहे, 6-9 महीने प्लस का टाइम होराइजन लेके चले, तो आई थिंक यहाँ से भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। 145-150 के टारगेट्स इमीडिएटली मुझे दिख रहे हैं, और अगर उन एरियाज का ब्रेकआउट आ गया लॉन्ग टर्म में तो फिर तो आई थिंक काफी बढ़िया, मेरे हिसाब से टेक्निकली ये रीरेटिंग हो जाएगी स्टॉक की, और फिर तो काफी अच्छे टारगेट्स ऊपर में आएंगे। बट फिलहाल 145-150 के लिए किसी को प्ले करना है तो 110 के नीचे स्टॉप लॉस, और जितना आप 110-115 के आसपास ले पाए उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा। तो ट्रेड की टाइमिंग लोग खुद करें, बट आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। ओके सर जी, बीएचईएल